फॉर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल के अंदर जिसका नाम है बायो स्टडी बोर्ड्स। तो इस चैनल के ऊपर आपको कंटेंट मिलता है क्लास 12 का, हिंदी लैंग्वेज में भी कंटेंट अवेलेबल है और मराठी में भी हम इस साल लैंग्वेज में अपलोड कर रहे हैं, तो वो भी आपको ध्यान में देना है। आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वो सब कुछ देख सकते हो। बायो स्टडी बोर्ड्स करके ऐसा हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, चैनल है, वहाँ पर आप जाके फॉलो कर सकते हो। उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पर नियर अबाउट 30,000 स्टूडेंट्स ज्वाइन है, तो आप भी वहाँ पे ज्वाइन होकर नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में हम देखेंगे बोर्ड एग्जाम 2030 के अंदर आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे आप टॉप कर सकते हो, कैसे आप कम समय के अंदर इफेक्टिव वे में आप पढ़ाई कर सकते हो, आपकी आगे आने वाले दिनों में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारे सवाल एक ही वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। एक प्रॉपर वीडियो विद रिसर्च, थोड़ा बहुत काम करके इसके ऊपर ये बनाया है पूरा कंटेंट, जो कि आपको मुझे लगता है लास्ट तक देखना चाहिए एक बार। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बोर्ड एग्जाम 2030 में आपको टॉप करना है, ये है आपका टारगेट। और टॉप नहीं करना तो सिंपल में हमको 90% चाहिए, ये भी आपका एक टारगेट होना चाहिए। देखो कैसा है, हम जब बड़ा सोचते हो तो कुछ ना कुछ हाथ में लगता है, अगर आप छोटा टारगेट रखोगे तो उसके बाद आपको वो बहुत छोटा कुछ ना मिलेगा। ठीक है, इसलिए टारगेट बड़ा रखोगे तो छोटा कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं होता कि बड़ा टारगेट रखते हैं तो बड़ा टारगेट कभी मिलता नहीं, ऐसा भी नहीं होता है, हमको बड़ा टारगेट भी मिल जाता है। ठीक है, तो देखो बोर्ड एग्जाम 2030 में अभी अब मंथ की अगर बात करिए कितने दिन अभी बाकी है, तो फिर देखो सितंबर, अक्टूबर बाकी है, नवंबर बाकी है, दिसंबर और जनवरी। देखो फरवरी में आपकी एग्जाम होगी, तो नियर अबाउट आपको कितने महीने बाकी है, यहाँ पे 5 मंथ्स बाकी है, 5 महीने आपको बाकी है पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो अभी इसके पहले आपने कुछ ना कुछ पढ़ाई होगा ना, अभी आपका क्लास 12 चल रहा है, आपने कुछ ना कुछ मतलब नियर अबाउट आपका 30-40% आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। देखो जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उसको तो अभी ज़्यादा एफर्ट्स लेने की आवश्यकता है, जिसने पढ़ा है अब तक बहुत कुछ तो उसको रिवीजन ही करने की आवश्यकता, तो उसको थोड़ा इजी जाएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि उसने पहले वो मेहनत कर ली है, तो ध्यान में रखना। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, यहाँ पे कितने महीने बाकी है, 5 मंथ्स। तो हमारे पास कितने महीने हैं, 5 महीने हैं पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, एक राउंड में हम बता देते कि नहीं 5 महीने हमारे पास पढ़ाई करने के लिए है। उसके बाद आगे की चीज़ें देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सब्जेक्ट की अगर बात करें तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपको है। तो सबसे पहला है आपको फिजिक्स, उसके बाद है आपको केमिस्ट्री, देन थर्ड है आपको बायोलॉजी, फोर्थ है आपको मैथमेटिक्स, फिफ्थ है आपको इंग्लिश, और छठा सब्जेक्ट जो है वो है मराठी। ये छठा जो सब्जेक्ट है आपका वो लैंग्वेज के अनुसार अलग हो सकता है। ठीक है, या फिर आपका स्ट्रीम अलग हो, फिशरी अगर आपने लिया है, आपने अगर सोशल साइंस लिया है तो भी आपके सब्जेक्ट अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो आप उससे थोड़ा जो हमारा ये टाइम टेबल है, जो हमारी स्ट्रैटेजी है, उसको आप थोड़ा चेंज कर सकते हो, फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ठीक है, तो देखो एक नॉर्मल स्टूडेंट की अगर बात करूँ तो पीसीएमबी और उसको एक इंग्लिश सब्जेक्ट है और एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, मतलब 6 सब्जेक्ट उसको पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उनको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और महीने कितने हैं, 5 मंथ्स में 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो अगर बात करेंगे कि एक महीने में कितने दिन होते हैं, नियर अबाउट 30 पकड़ लो, कुछ में 31 होते हैं, कुछ में 30 होते हैं, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली 30 पकड़ लेते हो, 30 डेज एक महीने के अंदर, तो 5 महीने का कितना हो गया, 150 डेज। कितने हो गए, तो 150 डेज हो गए। तो देखो ये आपके सामने है 150 डेज, तो आप हमारे पास कितने डेज है, कितने दिन है, 150 दिन। 150 दिन में हमको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो अगर 6 सब्जेक्ट की अगर बात की हुई वो सीधा है कि आपको 25 डेज के अंदर एक सब्जेक्ट करना पड़ेगा। अगर बात करेंगे 5 महीने के अकॉर्डिंग तो आपको 25 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट करना है। अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आपको 15 चैप्टर्स होते हैं, तो वो 15 चैप्टर्स आपको कितने दिन के अंदर कंप्लीट करने पड़ेंगे, 25 डेज के अंदर। सो 25 डेज के अंदर आपको कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, 15। तो अगर बात करेंगे कि हर दिन आपने 5 घंटे पढ़ाई किया, ठीक है, 5 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हो, या आपका कोचिंग उसको निकाल दो, या आपका जो आप क्लास में पढ़ते हो, जो अभी आपका कॉलेज है उसका टाइम निकाल दो, एक्स्ट्रा 5 आवर्स आप दे सकते हो पढ़ाई के लिए। तो आपने क्या किया, एवरीडे 5 घंटे अगर दिया, तो 5 घंटे में अगर 25 दिन की बात करें तो आपको 15 चैप्टर कितने दिन में करने पड़ेंगे, 25 दिन में। देखो क्या है, 15 चैप्टर आपको कितने दिन में करने पड़ेंगे, 25। तो यहाँ पे आपने क्या किया, हर दिन आपको कितने, हर डे में आपने 5 घंटे अगर दिए तो 25 दिन में कितने आपके आवर्स हो जाएंगे, देखो 125। तो फिर यहाँ पे आपको एक समझ में आ रहा है कि 120 आवर्स के अंदर आपको 15 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ आवर्स, यहाँ पे चैप्टर, तो आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए कितने टाइम मिल रहा है, 8 आवर्स मिल रहे हैं। ओके, 8 आपको यहाँ पे आवर्स मिल रहे हैं आपका एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए।
ओके सो अगर बात करेंगे आपके पास कितने सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले मैं आपको सवाल पूछना चाहूंगा कि डू यू वॉन्ट टू टॉप इन बोर्ड। अभी इतना आपने देख लिया, अगर आपको टॉप करना है, अगर आपका आंसर यस है, तो देखो समझ लो कि आपको एक दिन में कितना चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा, एक चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आपको एक दिन के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा, वो चाहे फिर बायो का हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, मैथ का हो, इंग्लिश हो, मराठी का। देखो मैथ के चैप्टर कम है तो उसका क्या, उसके तो सर बड़े बड़े चैप्टर है, वो कैसे करें, मैथ का तो चैप्टर भी कम है, तो देखो उसका टेंशन लेने का नहीं, आपको और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। जैसे कि देख सकते हो आप, आपको 8 आवर्स में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, ऐसा आपको टारगेट रखना है। तो अगर फिजिक्स की बात करें तो 15 चैप्टर ले लो, केमिस्ट्री की बात करें तो देखो यहाँ पे भी आप ले लो 15 चैप्टर, बायो के तो है ही, उसके बाद मैथ के 6 चैप्टर मैंने पकड़े हैं, ओके पार्ट 1 पार्ट 2 आपका अलग अलग होता तो आपका 12 चैप्टर भी यहाँ पे हो सकता है, डोंट वरी। मराठी का 20 चैप्टर्स लिया मैंने और इंग्लिश का लिया, ओके एवरेज हम पकड़ेंगे 20 चैप्टर्स, ओके टोटल को मिलाएंगे तो आपको हो जाएगा 100 चैप्टर्स, कितने 100 आपके चैप्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 100 चैप्टर्स है आपके पास, दिन कितने हैं आपके पास, 5 महीने हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आपके पास अगर टाइम हम निकालेंगे तो आपको हर चैप्टर को कितना टाइम मिलेगा, 8 आवर्स मिलेगा देने के लिए। तो आपके पास 100 चैप्टर्स है, दिन 150 है, कितने डेज है अपने पास, 150 डेज है, और 100 चैप्टर है, मतलब हर दिन आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने की ताकत रखनी पड़ेगी। और जो बाकी के 50 है, जो डे बाकी है, तो हर दिन मैथ का तो हर दिन एक चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा ना, तो उसको आप 2-3 आप दिन भी ले सकते हो। ठीक है, तो आपका आगे टारगेट एक ही होना चाहिए कि हर दिन हमको एक चैप्टर कंप्लीट करना है पीसीएमबी का, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का। इसका हो सकता है मैथ का 2 दिन के अंदर एक चैप्टर पकड़ो आप, उसके बाद आप मराठी का ले लो, उसके बाद आप इंग्लिश का ले लो, तो इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना है। हर दिन आपको नियर अबाउट 5 से 6 घंटे आपको पढ़ाई करना पड़ेगा अगर आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, तो टॉप तो आराम से कर जाओगे अगर ऐसा पढ़ाई करोगे तो इसके अकॉर्डिंग हमको समझा कि 5 महीने हैं, 5 महीने में 150 डेज है, और चैप्टर हमको कितने पढ़ने हैं, 120 के आसपास, 120 के आसपास चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं, और हर दिन हमको 5 से 6 आवर्स आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर एग्जैक्टली टाइम निकालेंगे तो आपको 8 आवर्स मिल रहे हैं, अब तक एग्ज़ाम तो आपकी होगी, तब तक आपको कितने आवर्स मिल रहे हैं एक चैप्टर को देने के लिए, 8 आवर्स, तो आप दिन में 5-6 घंटे आप पढ़ सकते हो। तो नियर वो पढ़ना पड़ेगा आपको, 5-6 घंटे आपको देने पड़ेंगे हर एक चैप्टर को, और ऐसे चैप्टर्स आपको कंप्लीट करते रहने हैं। तो आप एक हफ्ते में आप ये सबको पता है, ये समझ में आया है कि लास्ट में भी सब कुछ अगर इसका देखेंगे तो आपको ये समझ में आया है कि आपके पास एक वीक है जिसके अंदर 7 डेज होते हैं, आपको सब्जेक्ट 6 है, तो आपको हर दिन एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, आपको हर दिन एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा डेज है वो आपको मैथ का चैप्टर के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, मतलब 2 दिन के अंदर मैथ का एक चैप्टर होगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, हर वीक का हर डे एवरी डे में आपको एक नया सब्जेक्ट के साथ एक उसका चैप्टर कंप्लीट कर देना है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। मुझे लगता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।